मकर संक्रांति के दिन इन दो चीजों का दान गलती से भी मत करना, महालक्ष्मी रूठ जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि यूं तो साल भर में 12 संक्रांतियां होती है, लेकिन जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की आराधना करना अत्यंत शुभकारी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी होते हैं और इसलिए मकर संक्रांति के दिन उनका मिलन होता है। अब आपको बता दें कि इस साल यानी कि 2024 में मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है? तो दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं बल्कि 15 जनवरी 2024 को मनाई जानी है। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर शाम के 5:46 तक रहेगा। दोस्तों, इस त्योहार को सभी बड़े प्यार और खुशी के साथ मनाते हैं। बहुत लोगों के यहाँ तो विशेष तरह से इसकी तैयारी भी होती है, लेकिन इसके साथ ही हम आपको ये बता दें कि इस दिन कुछ चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कौन सा काम हमें करना चाहिए और कौन सा नहीं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से काम करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह उठ व्यक्ति को स्नान करके सबसे पहले सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। भगवान को जल चढ़ाते समय यदि आपके पास तांबे का लोटा है तो उसमें जल लेकर गुलाब की पत्तियां और गुड़ डाल दें और तब जल को अर्पित करें। ये दिन सूर्य देव और भगवान विष्णु का होता है। इस दिन उनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का और भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। उनका जाप करना अति शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण करना भी शुभ माना जाता है। यदि आप चाहें तो इस दिन उनका तर्पण कर सकते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण करने से घर में पितरी दोष दूर होता है, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, तो आप ये उपाय इस दिन कर सकते हैं। बहुत से लोग मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के लिए तीर्थ स्थल पर जाते हैं। आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम गंगा स्नान होता है। इस दिन गंगा जल से स्नान कर उसका घर में छिड़काव करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन कई तीर्थ स्थल तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिया कि इस दिन क्या करना शुभ होता है, लेकिन इस दिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिससे व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। 1. मकर संक्रांति के दिन किसी भी घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, अर्थात मांस, मदिरा, मुर्गा, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन प्रत्येक घर में सात्विक भोजन बनना चाहिए और सभी को यही ग्रहण करना चाहिए। 2. बहुत जगह मकर संक्रांति के दिन कई दही चूड़ा भी खाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन भूल से भी किसी भी व्यक्ति को किसी गरीब व्यक्ति या जो असहाय है उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, न ही उनका अपमान करना चाहिए। किसी को भला बुरा या गलत शब्द भी नहीं कहने चाहिए। यदि कोई आपके घर पर कुछ मांगने आया है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जो व्यक्ति ये कृत्य करते हैं वो पाप का भागीदार बन जाता है। 3. मकर संक्रांति के दिन भूल से भी रात का बचा हुआ या बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। इससे आपके अंदर ज्यादा गुस्सा और नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिया इस दिन क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि इस दिन किन चीजों का दान करना बहुत शुभ माना गया है। मकर संक्रांति का किया गया दान महापुण्य में जोड़ा जाता है। इस दिन यदि व्यक्ति इन वस्तुओं का दान करता है तो उसे पुण्य अवश्य मिलता है, साथ ही इनका दान करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। इस दिन दान करने से आपको कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। मकर संक्रांति पर किया गया दान न केवल इस जन्म बल्कि अन्य कई जन्मों में भी व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। तीर्थ स्थलों या घरों पर लोग पूजा और दान से जुड़े सभी कार्य करते हैं। समय पर दान हेतु यदि आप कुछ वस्तुओं का दान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है, साथ ही इनका दान करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। इस दिन दान करने से पहले व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए और फिर दान देना शुरू करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस दिन कौन सी दान की वस्तुएं हैं जिन्हें दान करके आपको जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलेगी। 1. तिल। मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
इसी वजह से इस दिन को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसके दान से आपके शुभ फल का कभी भी क्षय नहीं होता, आपके कर्मों में शुभता का वास होता है। मकर संक्रांति के दिन तिलों के दान को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये प्रकृति के संतुलन को भी दर्शाता है। इस दान द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति होती है और जीवन में किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग सुगम हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान अन्य दिनों की तुलना में अधिक लाभकारी होता है। इस दिन तिल का दान करना बहुत महापुण्य दिलाता है। मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु, सूर्य और शनि देव की भी तिल से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्यदेव की पूजा काले तिल से ही की थी, जिससे सूर्य देव प्रसन्न हो गए थे। मकर संक्रांति पर तिल का दान करके शनि दोष को भी दूर किया जा सकता है। 2. गुड़। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गुड़ या उससे बनी चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। गुड़ को सूर्य देव से संबंधित माना गया है। गुड़ का दान करने से सूर्य के शुभ फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में मिठास आती है, साथ ही साथ रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। गुड़ का दान करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है, समाज में प्रसिद्धि प्राप्त होती है, साथ ही यश मिलता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम में मीठे को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मीठे का दान जरूर किया जाता है, इसलिए विशेष रूप से मीठे का दान अवश्य करना चाहिए। 3. वस्त्र। मकर संक्रांति के दिन वस्त्रों का दान करना बड़ा शुभ होता है। इस दिन वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के कुल की वृद्धि होती है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र का दान करने से समृद्धि के साथ व्यक्ति के जीवन में मंगलमय की भी प्राप्ति होती है। वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और ये दान ही आपको कष्ट दूर हो जाते हैं और ये दान ही आपको जीवन के कई संकटों से बचाता है और आने वाले दिनों को है। इस दिन मुख्य रूप से गर्म वस्त्रों जैसे कंबल, शॉल, इन सब वस्त्रों का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी भी गरीब को एक जोड़ी वस्त्र अवश्य दान, साथ ही इस बात का ध्यान रखे कि शास्त्रों उज्जवल बनाता है। इस दिन मुख्य रूप से गर्म वस्त्रों जैसे कंबल, शॉल, इन सब वस्त्रों का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी भी गरीब को एक जोड़ी वस्त्र अवश्य दान करें, साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि शास्त्रों के अनुसार कभी पुराने और फटे वस्त्र के दान न करें, बल्कि नए वस्त्रों का दान करें। वस्त्रों का दान आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। 4. सप्त प्रकार के अनाजों का दान, यानी गेहूं, चावल, तिल, जौ, कंगनी, उड़द और मूंग। इन सबको मिलाकर मकर संक्रांति के दिन सप्त दान या फिर सप्त दान का दान करना भी महादान की श्रेणी में आता है। ये 7 प्रकार से मिलाकर किया गया अनाजों का दान व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की वृद्धि करता है। व्यक्ति के परिवार में सदैव समृद्धि का वास होता है तथा सप्त दान का दान करने से सभी प्रकार के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। किसी भी व्यक्ति को अन्न दान देना बड़ा शुभ होता है। 5. खिचड़ी। मकर संक्रांति का एक नाम खिचड़ी भी है। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाकर उसका दान किया जाता है। गरीबों को खिचड़ी के दान से आयुष की प्राप्ति होती है। ये प्रसाद बहुत ही पौष्टिक होता है। तिल और गुड़ के अलावा मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। इस दिन चावल और काली उड़द का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। शनिदेव से उड़द का संबंध होता है और इसके दान करने से वो प्रसन्न होते हैं। चावल का दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। 6. ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन घी का दान बड़ा शुभ माना जाता है। घी को भी सूर्य और गुरु से जोड़कर देखा जाता है। मकर संक्रांति पर गाय के शुद्ध घी का दान करने से आपको करियर में लाभ के साथ सभी प्रकार के भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है और साथ ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। सभी प्रकार के रोग और दोष दूर हो जाते हैं, साथ ही कलेश भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस दिन हमें अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। ये आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगा। साथ ही भगवान विष्णु और सूर्य देव की उपासना करने से उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।